राजकुमार जी, आप बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, युवा है, और इस तरीके से लगता है कि आज बहुजन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मनोज जी, बहुत सालों से सभी लोग प्रयास करते आए हैं। हमारे बुजुर्ग केएस कमल जी बहुत संघर्ष किया है, और इस संघर्ष का नतीजा है कि हम लोग अभी जागरूक हुए। लेकिन इस जागरूकता को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय जनता पार्टी अपने आप ना करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हमारे संविधान में हमारे दलित समाज के लिए जो एक्ट था, एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम समाज के लिए जो एक्ट थे, उनको बारीकी से धीरे धीरे एक, जैसे कि कहते हैं ना कि एक पेड़ में आप हल्का पेशाब करना शुरू कर दीजिए, वो पेड़ अपने आप ही सूख जाएगा। तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और सुप्रीम कोर्ट को साथ लेकर, उसके जजों को साथ लेकर, हमारे समाज के उस संविधान को, बाबा साहब के संविधान को जो दलित समाज और एससी एसटी के लिए दिया, उसको समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वो कितना भी सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लें, दलित समाज जाग चुका है, युवा जाग चुका है, आज हमारे बच्चे। राजकुमार जी, डायरेक्ट हिट न करके, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी सोच है, उनकी सोच समझ के तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारे संविधान की जो धारा उन्हों चेंज करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने एक बात कही है कि आप अगर लड़ते रहेंगे, संविधान मैंने दिया है, उन्होंने एक बात कही है लास्ट में मरने के टाइम पर कि मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहूँगा, मैंने संविधान बनाया है, मैं संविधान के द्वारा जिंदा रहूँगा। इस संविधान को आप लोगों को बचाना है, तो संविधान अगर आप लोग बचा सकते हैं, आपकी पीढ़ी हमेशा हमेशा खुशहाल रहेगी, और नहीं तो आप जो है वही हजारों साल पहले की व्यवस्था में चले जाएंगे, जहां आपके गले में जो हांडी होती थी थूकने के लिए, पीछे झाड़ू लगी होती थी, आपको वहीं पर पहुंचा दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा।